प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। महाराष्ट्र के सियासी संकट में हर दिन कई नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। जहां एक तरफ शिवसेना पहले से ही दो गुटों में बटी हुई है, वहीं दूसरी ही तरफ एनसीपी और कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, महाविकास अघाड़ी सरकार को लेकर इस वक्त कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी सत्ता को गवा चुके हैं उद्धव ठाकरे, शिवसेना को बचाने के लिए अब उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं और चुनाव चिन्ह को लेकर वह जंग लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से। जी हाँ, आपको बता दें कि 30 जून के दिन एकनाथ शिंदे ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण की थी। वही डिप्टी सीएम बनाए गए देवेंद्र फडणवीस। बीजेपी के समर्थन से ये नई सरकार बनी है और बीजेपी इस सरकार को आगे बढ़ाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए लगातार कई अहम फैसले भी ले रही है। लेकिन इसी बीच तमाम ऐसी खबरें आ रही है जो एकनाथ शिंदे के लिए और बीजेपी के लिए किसी झटके से कम नहीं मानी जा सकती है। आपको बताना चाहेंगे इस रिपोर्ट के जरिए कि किस तरीके से बागी विधायकों को अपने खेमे में वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आदित्य ठाकरे और रश्मि ठाकरे। ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, मंत्रिमंडल के विस्तार के दौरान देखने को मिला कि एकनाथ शिंदे के गुट के 7 मंत्रियों ने मंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण की, तो वहीं देवेंद्र फडणवीस के गुट की तरफ से 8 मंत्रियों ने मंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण की थी। ऐसे में देखा जाए तो अब एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वो इस वजह से कि जिन मंत्रियों को मंत्री पद नहीं मिला है, क्या वह उद्धव ठाकरे के खेमे में वापस लौट सकते हैं? जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे इस रिपोर्ट के जरिए कि हाल ही में एकनाथ शिंदे के गुट की तरफ से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उनकी गुट के विधायक संजय शिरसाट के बारे में, जो अपने बयानों के चलते लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट किया और इस ट्वीट को उन्होंने जब शेयर किया, लगातार वह सुर्खियां बटोरते हुए दिखाई दिए हैं। इस ट्वीट में उन्होंने उद्धव ठाकरे के एक वीडियो को शेयर किया था। इस वीडियो में वह भाषण दे रहे थे और इस ट्वीट को उन्होंने बाद में डिलीट भी कर दिया। आखिरकार क्यों, किस वजह से? दरअसल आपको बता दें, संजय सिरसाट ने हाल ही में महाराष्ट्र के परिवार का मुखिया बताया उद्धव ठाकरे को। जी हाँ, आपको बता दें कि उन्होंने जो ट्वीट किया, उन्होंने इस ट्वीट के साथ विधानसभा में उद्धव ठाकरे का एक भाषण का वीडियो शेयर किया था और कुछ समय बाद इस ट्वीट को उन्होंने डिलीट कर दिया था। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने यहां पर कहा कि मैंने जो ट्वीट किया था, वह विधानसभा में उद्धव ठाकरे का भाषण था और उस भाषण में उन्होंने महाराष्ट्र के बारे में अपनी राय रखी थी। उन्होंने कहा कि वह परिवार के मुखिया की भूमिका निभा रहे थे और इसलिए आज भी मेरा ये मत है कि आप परिवार के मुखिया की भूमिका निभा रहे हैं। संजय शिरसाट का कहना रहा है कि उन्होंने अपना बताया कि ट्वीट के बारे में उन्होंने बताया कि मेरे ट्वीट का ये अर्थ था कि आपको अपनी राय की बजाय अपने परिवार की राय का सम्मान करना चाहिए। वह कहते हैं एकनाथ शिंदे के साथ वह अब भी खड़े हुए हैं। हमने उद्धव ठाकरे को परिवार का मुखिया माना लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, इसलिए हमें वर्तमान स्थिति के लिए काफी खेद है। मैंने इसलिए ये ट्वीट नहीं किया क्योंकि मुझे मंत्री पद नहीं मिला। मैं सिद्धांत का आदमी हूँ। शिंदे गुट के साथ अब तक के अपने सफर में मैं हमेशा मुखर रहा हूँ। मैं वही बोलता हूँ जो मुझे सही लगता है। मेरा भी यही मानना था कि उद्धव ठाकरे का एनसीपी और कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहिए था। मैं अब भी उनके साथ खड़ा हूँ और हम सभी काफी खुश है। इस तरीके से यहाँ पर संजय शिरसाट ने अपनी बात रखी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आज भी वह एकनाथ शिंदे के साथ हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर उठना लाजमी है कि जिन मंत्रियों को मंत्री पद नहीं मिला है, जिन विधायकों को मंत्री पद नहीं मिला है, क्या वह एक बार फिर से एकनाथ शिंदे का साथ छोड़कर हाथ थामेंगे उद्धव ठाकरे का? ये सवाल एक बार फिर से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या वाकई में बागी विधायकों की मातोश्री में एक बार फिर से वापसी होगी? ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज।